देखते हैं 18 नंबर, ये भी आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, तो पहले मैं यहाँ डिवाइड का ही काम कर लूंगा। हमें इंटीग्रेशन निकालना था ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस टू और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स का, इसी का ना जी। चलिए तो हम लोग पहले इसमें इंटू करेंगे, तो एक्स का पावर चार और प्लस में तीन एक्स स्क्वायर और प्लस में दो, और इसमें इसे गुना करेंगे तो एक्स का पावर चार प्लस में सात एक्स स्क्वायर और प्लस का बारह। मैं यहाँ वन से इंटू करूंगा तो एक्स का पावर चार प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस में बारह, तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का चार एक्स स्क्वायर माइनस का दस, माइनस कॉमन कर लो, चार एक्स स्क्वायर प्लस का दस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अब भाग नहीं जाएगा, तो वन माइनस में फोर एक्स स्क्वायर प्लस दस और बटा में आपका यह एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यही ना आया है जी गुना करके, तो इसके जगह पर मैं यही लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है dx। तो यहाँ देखो ये अब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बदल गया, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे और इसके बाद में आगे करेंगे। तो पहले हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस का टेन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस में दस बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स का पावर टू प्लस फोर, है ना, बराबर में ए एक्स प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, क्वाड्रेटिक है ना जी, और प्लस सी एक्स प्लस में डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, उधर एलसीएम इधर, तो आपको वैसे ही रहेगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का दस बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, बराबर में इधर एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, यहाँ इससे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस, इसमें इसे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, या देखो यह दोनों कट जाएगा। यहाँ पे ना हम लोग पुट करके ना करके हम लोग समीकरण बना के आसानी से निकाल सकते, तो यहाँ समीकरण बना के ही एक्स ए बी सी डी का मान निकालेंगे, ए एक्स क्यू प्लस में फोर ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में फोर बी, ठीक है, अब इसमें इंटू करते हैं सी एक्स क्यूब प्लस में थ्री सी एक्स और प्लस में डी एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री डी, ठीक है थ्री डी। चलिए अब इसके बाद देखिए, देखेंगे एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा तथा अचर को इक्वेट करने पर, इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने, चलिए एक्स क्यूब के गुणांक यहाँ पे ये और ये है, यानी ए प्लस सी, एक्स क्यूब का गुणांक इधर जीरो है, समीकरण एक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है और कहाँ है एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो बी प्लस डी बराबर में आपका चार हो जाएगा, ठीक है, यह समीकरण दो रहा। अच्छा फिर अब एक्स का गुणांक फोर ए और प्लस में थ्री सी बराबर में एक्स का गुणांक इधर कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, समीकरण तीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और समीकरण चार क्या हो जाएगा, तो अचर जो है फोर बी प्लस थ्री डी बराबर में आपका दस, दस। अब देखिए एक एक करके ये समीकरण आपका चार हो जाएगा, तो समीकरण एक तथा तीन से आप सॉल्व करके देख सकते हो, एक तथा तीन को सॉल्व करोगे ना तो ए और सी का मान निकल जाएगा, ए का मान जीरो आ जाएगा और सी का भी मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ए प्लस सी बराबर जीरो है, फोर ए प्लस थ्री सी बराबर जीरो, यानी ये भी जीरो आएगा बी भी जीरो आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। समीकरण दो तथा चार से, दो तथा चार से, इन दोनों से, इससे और इससे हम लोग बी और डी का मान, तो यहां से आ जाएगा बी का वैल्यू माइनस का दो और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ बी माइनस दो रखोगे तो उधर जाकर जुड़ जाएगा सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बी और डी के ये वैल्यू आएंगे, हमें क्या करना होगा, जो ऊपर वाला स्टेप था ना इसी को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस दस, इंटीग्रेशन ऑफ
फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन बटा में आपका क्या है, क्या था जी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं एबीसीडी का वैल्यू रख के, तो ए का तो जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू माइनस का टू बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स, और यहाँ पे देखो आपका सी का वैल्यू जीरो है ठीक है, और डी का वैल्यू जो है, डी का जो वैल्यू है वह आपका छ है और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ माइनस टू बाहर निकालो, कौन से हटा दो, वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे छह कौन से बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर जाएगा वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस का टू, यहाँ पे वन बाई ए यानी वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बटा में रूट थ्री, और प्लस छ इसका वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बटा में टू प्लस सी, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बट्टा रूट थ्री और यहाँ पे ये कट जाएगा तीन बार में, प्लस में थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस टू एक्स बाई टू प्लस सी, यही ना आया है, लेकिन हमें तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना, तो इसके जगह पे वो रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, लेकिन हमें फाइनल इंटीग्रेशन ये था। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या था जी, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस टू बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस में फोर सॉरी माइनस में ना माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस में दस और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यही ना हम लोग ऊपर लाए थे, देखो यहाँ पे ऊपर जो स्टेप था हम लोग का यही था, यही है वन माइनस में फोर एक्स स्क्वायर प्लस दस बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यही था। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है एक्स हो जाएगा और माइनस ये वाला रख देंगे, तो देखो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बटा में रूट थ्री और ये प्लस, यहाँ देख रहे ना ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, समझ गए ना, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in और वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।